देखो आजम, भला ये तस्वीर कब की है? शादी से पहले की। ये तुम कैसे कह रहे हो? इसलिए कि इसमें तुमने अपनी ही जेबों में हाथ डाल रखा है। ये हनीमून की तस्वीर है। क्या जमाना था। जी हाँ, ये डेट और डिबेट के दरमियान का वक्फा होता है। देखो तो सही, इसमें मेरी शक्ल कितनी मुख्तलिफ लग रही है। हाँ, वाकई है ना। इसलिए कि इसमें तुम्हारा मुंह बंद है। ये नायाब लम्हा मैंने इसीलिए कैमरे में कैद कर लिया था। क्या मतलब क्या है तुम्हारा? क्या मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ? पहले तो तुम मेरी बातों की बहुत तारीफ किया करते थे। हरगिज़ नहीं, मैं तुम्हारी बातों में वक्फे की तारीफ किया करता था। अगर तुम्हें मैं बिल्कुल पसंद नहीं थी तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? 20 साल हो गए, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। जिस रोज समझ में आ गई तुम्हें जरूर बताऊंगा। क्या कह रहे हो आज़म? मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं हूँ? नहीं नहीं नहीं, मतलब हाँ हाँ, मतलब ऐसा नहीं है। कैसा नहीं है? जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। आज़म भाई, आपका फोन। मैं कैसा सोच रही हूँ? मैं फोन सुन लूँ तो बता तो जाते ना। मैं बताता हूँ प्लीज। ये तो बता दो ना कि मैं तुम्हें पसंद हूँ कि नहीं। ये क्या है, एल्बम? कौन सा बम? एल्बम हुमा, एल्बम। हाय, कितनी पुरानी तस्वीर है। इसमें तो भाई आजम हंस भी रहे हैं। दिखाए दिखाए दिखाए। पापा हंसा भी करते थे। हुमा बड़े शरारती हुआ करते थे। पता है, भाई आजम तो सारा वक्त गर्ल्स कॉलेज के सामने खड़े रहते थे। रिश्तेदारों ने तो कहना शुरू कर दिया कि इन्होंने एफए गर्ल्स कॉलेज से किया है। लेकिन मामा ने तो बताया था कि पापा छोटे शहर के थे तो वहाँ पे गर्ल्स कॉलेज भी था। हाँ, वहाँ के एमएनए ने बनवा दिया था कि लड़कों को तकलीफ ना हो दूसरे इलाके में जाने की। हाँ, किसका फोन था? वो बेग साहब का था। क्या कह रहे थे? वो मैंने उनसे कहा था कि कोई ऐसा बिजनेस बताएं जो कर सकूं। वो कह रहे हैं कि फिलहाल शेयर्स खरीद लो। लेकिन ये शेयर्स तो गिरते नहीं रहते। हाय, तो भाई आजम जरूरी है हमने कोई गिरा हुआ काम करना? चलो खैर, देखते हैं। अच्छा, वो सुंबल, मैंने तुम्हें पिछले महीने जो लाख रुपया भिजवाया था वो घर में ही है या बैंक में? बैंक में तो नहीं है। अच्छा, घर में ही है। मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी अभी 2-4 दिन में, इसलिए पूछ रहा हूँ। वो तो क्या, वो तो घर में ही है। घर में ही है। घर में ही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इतने सारे पैसे हम कहाँ से लेकर आएंगे? ओ, मैं बताती हूँ। आजकल सुना है कि ना रुपया बहुत सस्ता हो रहा है, तो हम ऐसा करते हैं कि 10,000 के रुपए खरीद लेते हैं, सस्ते में मिल जाएंगे। मामा, किसी वकील से मशवरा करते हैं। अरे छोड़ो, वकीलों के मशवरे देखें। मेरे ताया मरहूम का मकान था, हमसाये ने उस पर कब्जा कर लिया। बेचारे वकील से मशवरा करने के लिए गए। नुसरत, केस तो उन्होंने जीत लिया लेकिन मकान वकील की फीस में चला गया, क्या फायदा होगा? मामा, बैंक से कर्जा ले लेते हैं, 90,000 की तो बात है। बॉबी, 90,000 ही का तो मसला है, कोई 10-20 करोड़ की बात हो तो बैंक वाले अमीर समझते हैं, झट से कर्जा दे देते हैं। 90,000 की तो कोई इज्जत ही नहीं, सब समझेंगे कि हम बहुत गरीब हैं। और क्या, बैंक से थोड़ा कर्जा लो ना तो फिर आप बैंक के रहमो करम पर होते हैं, और बैंक से अगर ज्यादा कर्जा ले लो तो फिर बैंक वाले आपके रहमो करम पर होते हैं। तो हम 10 करोड़ का कर्जा लेंगे ना, रिफ्यूज भी हो गया तो शर्मिंदगी तो नहीं होगी? छोटा मोटा कर्जा रिफ्यूज हो जाए, कितनी शर्मिंदगी होती है। सलाम बीबी जी। वालेकुम सलाम। तुम भी बस हमेशा गलत वक्त पे आया करो बशीरा। जाओ, अब कपड़े रखो। मेरा मुंह क्या देख रही हो? तुम्हें पता है मैले कपड़े कहाँ पड़े हैं? जाओ उठाओ। अच्छा बीबी जी।
सुंबल, ये बशीरा कह रही थी कि इसके पास 90,000 रुपए हैं जो वो अपने पास नहीं रखना चाहती। वो तो मुझे कह रही थी रखने के लिए। बैंक में नहीं रखती? बैंक में रखवाए थे। रोज सुबह 9 बजे बैंक पहुंच जाती थी और कहती थी कि मेरे पैसे दिखाओ, कहीं चोरी तो नहीं हो गए। मामा, जरूरत के वक्त गधे को बाप बनाया जा सकता है तो धोबन को। धोबन? मेरा मतलब है बशीरा। बशीरा जी, बीबी जी। बशीरा, बशीरा तुम्हारा सूट कितना खूबसूरत लग रहा है। ये कभी मुझे जहर लगता है, जब खान से लड़ाई होती है ना मैं तब पहनती हूँ। हुमा, बशीरा के लिए चाय लाओ। मैं? जी जी, मेरे लिए? हाँ, तुम बैठो ना बशीरा, बैठो। इधर आओ, इधर। नहीं नहीं, चलिए इधर बैठो, बैठो, बैठो। हाँ बैठ जाओ। बशीरा, नुसरत ने मुझे बताया, तुमने मुझे बताया था ना नुसरत? हाँ, हाँ, हाँ। तो नुसरत ने मुझे बताया कि तुम्हारे पास 90,000 रुपए हैं। हाँ जी, मैं भी आपसे बात करना चाहती थी। इतने सारे पैसे ना बीबी जी, हाँ। हम गरीबों से संभाले नहीं जाते। हाँ, वाकई बॉबी, मिठाई लाओ। उठ जाओ। मेरे लिए? हाँ, आप कितनी अच्छी हैं। इसीलिए ना मुझे आप पर पूरा तबार है बीबी जी। देखा ना सुंबल, मैं क्या कहती थी कि बशीरा कितनी अच्छी है। बहुत अच्छी है। हाँ बशीरा, तो तुम तो कोई बात कर रही थी ना वो पैसों के बारे में। हाँ हाँ जी, वो बात दरअसल ये है कि बीबी जी, मुझे ना वो जरा शर्म आ रही है जी। देखो बशीरा, ये तुम्हारा अपना घर है, तुम शर्माओ या शर्मिंदा हो कुछ भी। बोलो बशीरा, बोलो। हम तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगे। हाँ, बस तुम बोलो ना। आप मेरी मदद करेंगे जी? क्यों, आप कितने अच्छे लोग हैं। वो ना मेरे पास ना 90,000 थे। मैंने ना 1.5 लाख का मकान खरीद लिया। 90,000 मैंने दे दिए है, बाकी 60,000 रह गए। आपने तो वादा किया ना आप मेरी मदद करेंगे। तुम्हें पता है कि मेले कपड़े कहाँ पड़े, तुम जाकर उठाती क्यों नहीं वहां से? क्या होगा? पहले कह रहे थे मैं कुछ सोचता हूँ, मेरा दिमाग चल रहा है, और अब कहते हो कि अब क्या होगा? दिमाग चल नहीं रहा है, दिमाग चल गया है। मैंने अखबार में एक पजल का जवाब लिखकर भेजा है। अगर 1 लाख रुपए मुझे इनाम मिल गया तो मैं 90,000 दे दूंगी। यहाँ पे लिखा है एक बिजनेसमैन के घर ना डाका पड़ गया और डाकू 20 लाख लूट कर ले गए। मामा, ये डाकुओं को 20 लाख गिनने में बड़ी देर लगी होगी। वो गिनते थोड़ी हैं, अगले दिन अखबार में पढ़ लेते हैं हमने कितना लूटा है। डाकू 20 लाख से कम पे नहीं आ जाते? क्या मतलब? मामा, हम क्यों ना डाका डलवाएं? इतने कम पैसों में कौन डाका डालेगा? 10,000 में उसकी बेइज्जती नहीं होगी? अखबार में तो यही आएगा ना, 1 लाख का डाका। हेलो खुशिया साहब, खुशिया साहब, हमें एक डाका डलवाना है। खुशिया साहब, एक डाका ही तो डलवाना है, आप हमारी पोजीशन नहीं समझ रहे ना। मामा, एक सेकेंड। हाँ, उससे कहें कि क्लाशनकोव वाला डाकू भेजे, मिसेज अशरफ के घर आया था ना वो छुरे वाला, कितनी बेइज्जती हुई थी। हाँ, कोई बड़ा डाका होना चाहिए। हाँ खुशिया, डाकू को बड़ा डाकू होना चाहिए है? वो कह रहे कि बड़े डाकू का तो पुलिस 10-10 लाख रुपए देती है। मैंने भी यही पढ़ा था वैसे। चले फिर कोई छोटा डाकू अरेंज कर दे। देखिए खुशिया साहब, हम 10,000 दे सकते हैं, इतने में आप कोई डाकू अरेंज कर दे। क्या? वो कह रहे इतने कम पैसों में डाका नहीं डल सकता, चोरी हो सकती। नहीं नहीं सुंबल, चोरी का तो अब रिवाज ही नहीं रहा। खुशिया साहब, चोरी का तो अब रिवाज ही नहीं रहा। नहीं, डाकू होना चाहिए। एक डाकू है? बस एक डाकू, बस एक डाकू।
कह रहा है कि आपने डाका डलवाना है या कवाली करवानी है। देखिए, अच्छा नहीं, एक मिनट, नहीं वो कह रहा है इतने कम पैसों में डाका अरेंज नहीं हो सकता, वो कह रहा है कि फिर वो किसी एक्टर को डाकू बना के। नहीं 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 नहीं, हमें तो ओरिजिनल चाहिए भाई, उससे कहो कि हम चंदा जमा करके हर महीने दे दिया करेंगे। खुशिया साहब मेरी बात सुनिए, हमें ओरिजिनल डाकू चाहिए। हाँ हमें नहीं पता, बस आप कहीं से ये अरेंज करके दें, हम बाकी की कसर हम अगली दफा पूरी कर देंगे। ठीक है बस। ओह बॉबी क्यों तुम मुझे परेशान कर रहे हो, मुझसे मत पूछा करो ऐसे फिजूल सवाल। सुंबल? हाँ क्या हुआ? तुम तो तैयार भी हो गई हो और मैंने तो अभी तक कपड़े भी नहीं बदले हैं। फूफो ये डाकू के आने की खुशी में नए कपड़े क्यों पहन रहे हैं? अगले दिन अखबार में तस्वीर नहीं आती इसीलिए। बैठे रंगों में तस्वीर जरा नहीं। मुझे तो याद ही नहीं रहा मामा, मैंने तो कटिंग करवानी थी। ये क्या तैयारियां हो रही हैं अभी, तुम्हारे ससुराल से कोई आ रहा है? क्या मतलब है तुम्हारा? वो पापा डाकू आ रहा है। डाकू आ रहा? नहीं वो बात ये है कि एक सीरियल आ रहा है ना टेलीविजन पे, उसमें एक डाकू ने आना है आज। हाँ भाभी को वो सीरियल बहुत पसंद है। अच्छा डाकू वाला सीरियल, लेकिन आप तो टीवी देख नहीं सकते इसलिए कि आपका तो टीवी देखने का टाइम नहीं हुआ। आपका टाइम टेबल किधर है भाई साहब? टाइम वो है और टेबल ये है। नुसरत तुम भी मेरे कमरे में मेरा कैलकुलेटर ला दो और टाइम टेबल भी लेके आओ। मामा हुँ? ये डॉक्टर और डाकू जो हैं ये नकाब क्यों पहनते हैं? ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके, और क्यों? हमारे वाले डाकू ने भी पहना होगा। हाँ और क्या, तो अगर उसने नकाब पहना हुआ हम उसे कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा डाकू है? ओहो बहुत आसान सी बात है हुमा, हम उसे पूछ लेंगे कि भाई तुम हमारे डाकू हो कि नहीं। देर हो गई है, अब तक तो डाकू को आ जाना चाहिए था। बस इस मुल्क में तो कोई वक्त की पाबंदी करता ही नहीं। ठीक है बस आ जाए, हम भी उसके डाके से पैसे काटेंगे। बिल्कुल सही। ओफो डाकू अब तक नहीं आया। अल्लाह किसी और घर ना चला गया वो डाका डालने। तुमने पता तो ठीक से बताया था ना? मामा मैं बाहर जाके ना देखो कहीं उसको घर ही ना मिल रहा हो। चुप करो। मामा हम ना खिड़की खोल देता है ताकि वो छुप के अंदर आ सके। कैसी बातें करती हो मामा, वो डाकू है शौहर या चोर तो नहीं? फिर वो खिड़की के रास्ते आएगा, वो तरीके सलीके से बेल बजा कर आएगा। मामा डाकू आ गया। मेरा भी यही ख्याल है। बुलाओ बुलाओ, आइए 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 आइए। नुसरत ये डाकू है? हाँ आजकल डाकू भेस बदल कर आते हैं। पूछो बॉबी ये डाकू है? भाईजान आप डाकू है? ना जी ना, कशल्ला के नाम पे दो चार दिन से मैं भुक्का हूँ और 8 दिन से मेरे बच्चे भुक्के हैं, कुछ दो अल्लाह के वास्ते। हेलो खुशिया साहब, ये क्या तरीका है भाई, क्या वक्त होने को है और आपका डाकू अभी तक आया ही नहीं है? वो कह रहा है कि एक डाकू हमारी तरफ आ रहा था लेकिन उसकी बीवी ने उसे सब्जी लेने भेज दिया। ये भी कोई वक्त है सब्जी खरीदने का? देखो उससे कहो कि अगर वो डाकू नहीं है तो किसी और डाकू को भेजे। हाँ देखिए खुशिया साहब, ये आपकी जिम्मेदारी है, अगर वो डाकू नहीं है तो आप किसी और डाकू को भेजिए। हाँ आप देख लीजिए, वरना हम पुलिस की मदद लेंगे। इसके नाम से तो फौरन मान गया। पुलिस उसकी कंपेटिटर जो है। मामा मुबारक हो, डाकू साहब आ गए। डाकू साहब तशरीफ ले आए हैं। खबरदार कोई बोला तो गोली मार दूंगा। ओफो ये क्या तरीका है, क्या ये आपका पहला डाका है? हैं? नहीं तो फिर ये कोई वक्त है आने का? इसने तो नकाब भी नहीं पहना हुआ, डाकू तो लगता ही नहीं है। इस तरह से कोई डाका मारने आता है? डाका डालने के भी कोई उसूल होते हैं। किस किस्म के लोग हो आप? बेवकूफ वक्त जाया मत करो, हमें हैंड्स अप कराओ, किस बेवकूफ ने तुम्हें डाकू बना दिया? खबरदार जो मेरे बाप को बेवकूफ कहा तो। अच्छा अच्छा चलिए मेरी बात सुनिए, आप चाय ठंडा कोई बोतल पानी, आप पहली बार हमारे यहाँ डाका डालने आए हैं। कौन लोग हो तुम, कैसी बातें कर रहे हो? वो हमें हैंड्स अप कराओ फौरन। हाँ ये बात हुई, अब हमें लेकर अंदर चलो। हाँ
गन पॉइंट पर। अंदर पापा काम कर रहे हैं और उनको जाके तुमने हैंड्स अप करना है, और उसके बाद तुमने घर की चीजें इधर उधर बिखेर देनी है, और फिर हमसे पैसे लूट कर फरार हो जाना है। फरार मुझे कह रहे हो? मैंने तो कभी अपने बाप का हुक्म नहीं माना। हमने भी कभी नहीं माना। भाई क्या कर रहे हो तुम, जल्दी करो, इतनी देर में बंदा दो डाके मार लेता है। है? क्या आपका ताल्लुक भी किसी डाकू फैमिली से है? चलो चलो हमें गन पॉइंट पर अब अंदर ले चलो, जल्दी करो। अच्छा चलो। हाँ, अजब जगह आ गया हूँ, इनको तो मुझसे भी ज्यादा जल्दी है। टाइम छाया कर रहा है, मैं कह रहा हूँ कि पापा ऊपर है, उन्हें नीचे लेके आओ गन पॉइंट पे। चुप करो वरना गोली मार दूंगा। ये करो वो करो, मैं डाकू हूँ मुलाजिम नहीं। कैसे शोर है, क्या हो रहा है? खबरदार जो हरकत की तो। कौन हो तुम? इसे जानते हो? ये काफी नहीं है। ये तो बिल्कुल असली डाकू की तरह कर रहे हैं। ये क्या बोली? तारीफ कर रही है तुम्हारी। माय गॉड क्या लोग हो तुम। घड़ी उतारो। घड़ी क्यों उतरवा रहे हो? खामोश, जेवर उतारो अपने। आसम को चालने दो, फिर बताऊंगी मैं तुम्हें। जो कुछ तय हुआ है वही करो, वरना घर से निकाले जाओगे। कोई भी बोला तो एक एक को गोली मार दूंगा मैं। ए खबरदार, औरतों के साथ बदतमीजी नहीं करना। इन औरतों को इस रस्सी से बांधो, तीनों को। जल्दी कर लो बॉबी, जल्दी करो। अच्छा भाई कौन गया? तुम दोनों इधर चलाओ वरना गोली मारूंगा एक एक को। आगे रहो। जेवर उतारने की बात क्यों की? डाके में हकीकत का रंग भरने के लिए। ये तो कोई मतलब नहीं, सारे कपड़ों की स्त्री खराब होगी, अब क्या खाक अच्छी तस्वीरें आएंगी। तुम नकाब पहनकर आ गए हो, सबने तो तुम्हें देख लिया, अब क्या फायदा? किसने देख लिया? ओ, तुम्हारा ख्याल है इस नकाब से तुम असली डाकू लगते हो? बिल्कुल नहीं, यूं लगते जैसे किसी ड्रामे के डाकू। उतारो उतारो उतारो। असल में आज डाकुओं की हड़ताल थी। वो क्या है कि डाकू कहते हैं कि हमारी जेल एयर कंडीशन होनी चाहिए। मैंने कहा अब इनको कौन इतनी सहूलतें दे। मैंने क्या किया, खुद कपड़े पहने डाकू बन के आ गया, बस बनने में थोड़ी सी जरा देर हुई है। हाँ। अगर तुम अब आए हो तो वहां अंदर कौन है? मेहमान होगा। अजीब सा है, खतरनाक सा। हाँ, उसके हाथ में पिस्तौल भी है, बहुत खतरनाक है। असली डाकू तो नहीं आ गया? ये तो बीबी जी बड़ा खतरनाक डाकू, बशीरा डाकू है जी। इसने तो फिल्म भी बनाई थी ना। ये वो डाकू नहीं है, ये बड़ा खतरनाक डाकू है। ये तो जरा सी बात पे बंदा कत्ल कर देता है जी। अभी ताजा ताजे जेल तोड़ के भागा है। ये जेलें इतनी कच्ची क्यों बनाते हैं कि हर कोई तोड़ के निकल आता है? बाहर के मुल्कों में लोहे की होती है जो काट के निकलते हैं। पता नहीं हुमा। देखिए जी, ये मुझसे जरा ऊपर का काम है। पुलिस ने तो इसको जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने पे 1,00,000 रुपया इनाम रखा हुआ है जी। देखें, मुझे तो इजाजत दें जी, मेरे तो छोटे छोटे माँ बाप है। छोटे छोटे माँ बाप से तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है जी कि मैं बचपन में ही पैदा हो गया था। मेकअप के पैसे तो दे दें जरा वो। ऐसे तो ना जाओ ना, हमारी मदद देखो। क्या सुंबल, मेरा ख्याल है कि हम पुलिस को फोन कर देते हैं। चलो ठीक है, वो घुमा हटो तो आज से। इतना कसके क्यों बांध रहे हो? ढीला करो जरा। बताओ माल कहाँ है? माल का नहीं पता, नहर के किनारे चलते जाओ, सड़क सीधी माल पर जाती है। मेरे खुदाया, ये घर है या पागल खाना है? ये तुम्हारा पुत्र मुझे क्रैक लगता है। मैं इनका पुत्र नहीं हूँ, बेटा हूँ। तुम रसिया डीली करो फौरन। तुम मुझे हुक्म दे रहे हो यार?
तुम तो नाराज हो रहे हो। मैं तो तुमसे ये कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आती तो मुझसे पूछ लो। डाका मारना भी नहीं आता। फिल्म सुल्ताना डाकू देखी है? मैंने देखी है। यार खुदा के वास्ते चुप हो जाओ वरना गोली मार दूंगा। बॉबी चुप हो जाओ, गोली मार देगा वो। भाई ये नकली पिस्तौल है, ये डाकू भी नकली है। अब तुमने कोई हरकत की तो मैं तुम्हें सचमुच गोली मार दूंगा। क्या कर रहे हो, ये असली पिस्तौल है? ये असली नहीं है, चला के दिखाओ जरा। चला के दिखाऊं? अब माफ कीजिएगा, ये जरा बचपन से ही थोड़ा, प्लीज ये दिखाओ जरा, दिखाओ। ओए छोड़ दे पिस्तौल, क्या कर रहे हो ये तुम? खबरदार जो किसी ने ऐसी ऐसी हरकत की तो। ओ सर जी, ये थाना कहे खबरदार जो ऐसी हरकत की तो। हाँ खबरदार जो जो इसने कहा है। आपको बड़ी बड़ी मुबारक हो, आपका बेटा बड़ा बहादुर है। इसने विशीर डाकू को पकड़ा दिया है। हुकूमत ने इसके लिए 1,00,000 रुपए इनाम रखा था जो इसको मिलेगा। सवाल तो बड़े आसान है, हमारी कार का इनाम जरूर निकलेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम अगला सवाल सुनो। तारीखी 100 साल जंग कितने साल जारी रही? अब बॉबी मेरा ख्याल है सवाल का जवाब तुम दो। भाई मुझे तो तारीखी और जंगे याद ही नहीं रहती। यस 100 साल जंग 100 साल जारी रही। मेरा बेटा कितना इंटेलिजेंट है। एक सेकेंड, यहाँ तो लिखा है कि 100 साल जंग 115 साल जारी रही थी। आपका जवाब गलत। हमारा जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, ये सवाल ही गलत है। दूसरा सवाल, रूस के इनकलाबे अक्टूबर की सालगिरह किस माह में मनाई जाती है? हाँ, रूस में इनकलाबे अक्टूबर की सालगिरह किस माह? अक्टूबर? हाय सुंबल, तुम्हारी हिस्ट्री कितनी अच्छी है। आज कहते थे तुम्हारा जोग्राफिया कितना अच्छा है। एक सेकेंड, यहाँ लिखा है कि इनकलाबे अक्टूबर की सालगिरह नवंबर में मनाई जाती है। हुमा तुम सवाल नहीं समझी और तुम रूसियों को नहीं समझे। अच्छा देखो लड़ो भाई, हम नवंबर लिख देते हैं। अब आया ना मुश्किल सवाल, अब पता चलेगा टूथब्रश जिसने इजाद किया उसके मुंह में कितने दांत थे। मैं बताती हूँ, बहुत आसान है। ने? हाँ, जिसने टूथब्रश इन्वेंट किया था उसके मुंह में एक दांत था। एक? अगर ज्यादा दांत होते तो टूथब्रश इन्वेंट करता ना, टूथब्रश तो नहीं। राइट, ठीक है, एक दांत। लो जी, कार में अगर सामान भेजा जाए तो उसे शिपमेंट कहते हैं और अगर शिप में सामान भेजा जाए तो उसे कार्गो कहते हैं। भाई ये क्या बकवास है, इन सवालों का क्या मतलब है? इनका मतलब ये है कि हमें कार नहीं देंगे। यू मत कहो, हमें ही मिलेगा इनाम। लेकिन मुझे ये बताओ, आखिर हम ये हल किस नाम से भेजेंगे? सुंबल तुम अपना नाम लिख दो ना, तुम्हारा नाम सक्सेस वाला है, ऐसे जो शुरू होता है। और वैसे भी तुम बहुत लकी हो, मुझ जैसी नंजू मिली है तुम्हें। सुंबल आसम। यस, नाम मिलेगा? नाम नहीं मिलेगा। 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 ये तुम क्या कर रही हो हुमा? मैं वो मामा देख रही थी हमें इनाम में कार मिलेगी कि नहीं। बी मिच्योर, ये बच्चों जैसी हरकतें मत किया करो। चलो जाओ अंदर, जाओ बॉबी की जराबे ढूंढ कर दो, उसे मिल नहीं रही। चलो। मुझे तो मर्दों की समझ नहीं आती, मार्स पे जिंदगी ढूंढ लेते हैं और जुराबे कोई नहीं ढूंढ सकता। जाओ तुम ढूंढो।
मिलेगा, इनाम नहीं मिलेगा, इनाम नहीं मिलेगा। मामा हमारी गाड़ी कितने हॉर्स पावर की होगी? हमें इनाम हॉर्स वाली कार मिलेगी। अब तो बग्गियां भी दो हॉर्स वाली होती हैं, पहले तो चार चार हॉर्स जोते जाते थे। गाड़ी बहुत बड़ी होगी इसलिए हम ड्राइवर रखेंगे, वर्दी वाला। नहीं नहीं नहीं, हम खुद ही चलाएंगे अपनी कार। आपको पता नहीं आजकल जितने भी हादसे होते हैं उनमें से 90% ड्राइवर्स की गलतियों की वजह से होते हैं। फिर तो हादसात की रोकथाम के लिए हुकूमत को चाहिए कि किसी भी ड्राइवर को गाड़ी चलाने की इजाजत ना दे। मामा हम ड्राइवर नतीज का ऐलान सुनिए। अव्वल इनाम हासिल किया है लाहौर की मिसेज सुंबल ने। जरा गौर से सुनिए, मिसेज सुंबल इश्तियाक। सब तुम्हारे पापा की वजह से हुआ। पापा की वजह से? हाँ। वो कैसे? उन्होंने अपना नाम आजम की जगह इश्तियाक रखा होता तो आज को ये दिन ना देखना पड़ता। उनसे तो इतना भी ना हुआ कि हमारी खातिर ही अपना नाम बदल लेते। किसी और वक्त फोन कर ले, इस वक्त घर पर कोई भी नहीं है। जी नहीं, मैं भी नहीं हूं, आप किसी और वक्त कीजिए। जी जी क्या? मैंने कहा था कि फिर से फोन कर ले, इसलिए आप फोन कर रही हैं। देखिए आप किसी और वक्त फोन कर लें। हर कोई फोन करके यही पूछ रही है कि आपको इनाम क्यों नहीं मिला। हम सबसे कह देते हैं कि धांधली हो। फ्रेंड का फोन आया था, कहने लगी मुबारक हो, मुझे तो टीवी पर पता चला कि आपने अपना खामन बदल लिया। अब आप मिसेस सुंबल आजम नहीं बल्कि मिसेस सुंबल इश्तियाक हैं। मामा डाक आपके लिए। मिसेस बुखारी का होगा, वो हर मौके पे कार्ड भेजती हैं, बस इस मौके पे भी उन्होंने कार्ड भेज दिया होगा। तुम्हें पता है नुसरत, कि वो मैमूना को हर साल तलाक के मौके पर विश कार्ड भेजती। सोचो उसको भी पता चल गया कि हमें इनाम नहीं मिला। मामा आप खोल के तो देखें। हाँ देखो, तुम देखो। क्या हुआ? क्या इसमें कॉकरोच है? नहीं कॉकरोच तो नहीं है, लेकिन पजल वालों ने कॉन्सोलेशन प्राइज भेजा है, कॉन्सर्ट के 3 टिकट। इनाम? हमें इनाम मिला है। मगर मामा ये तो टिकटें हैं। इनाम तो इनाम होता है बॉबी। मामा लाइव कॉन्सर्ट। लाइव कॉन्सर्ट? तो क्या कोई डेड कॉन्सर्ट भी होता? बस 3 टिकट है ना, हम सब जाएंगे। बॉबी यूं ही चला जाएगा। मैं यूं ही कैसे चला जाऊंगा? मैं तो जहां कहीं भी जाता हूं टिकट चेकर सबसे पहले मेरी टिकट चेक करता है। अगर मेरे पास टिकट हो तो वो सबको समझता है कि उनके पास टिकट होगी। पर्सनालिटी भी कोई चीज होती है। मामा हम ना पापा को भी इनवाइट करेंगे ताकि उनको पता लगे हम ऐसे ही नहीं है, शो वालों ने रिक्वेस्ट करके बुलाया है। और क्या? टीवी देख रहे हो? ऐसे सवाल क्यों पूछती हो जो तुम देख रही हो? नजर आ रहा है ना कि मैं टीवी देख रहा हूँ। चलो अच्छी बात है। मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि जो बंदा ज्यादा टीवी देखता है ना वो अच्छा खामन बन जाता है। जी हाँ, इसलिए कि उसे सब कुछ खामोशी से देखने की आदत पड़ जाती है। आजम आवाज आहिस्ता करो ना, मैंने एक सवाल पूछना है। खुदा खैर करे। जी फरमाइए। अच्छा देखो, अगर तुम्हें कहीं से लाइव कॉन्सर्ट के टिकट मिले तो उनका तुम क्या करोगे? फाड़ के फेंक दूंगा। हैं? क्यों? खुदा का वास्ता है सुबल, बी मैच्योर।
पर हम जिस स्ट्रगलिंग क्लास से ताल्लुक रखते हैं, हमें तो चाहिए कि अपने काम में ही एंटरटेनमेंट तलाश करें। हजार दफा कहा है अकेले खबरनामा ना देखा करो। नहीं, नहीं। क्या हुआ, पापा नहीं चल रहे? नहीं, तो खुश होना चाहिए, हमें भी नहीं जाने देंगे। तो क्या तुमने उन्हें बता दिया कि हम जा रहे हैं? नुसरत, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे तो पहले ही पता था। अरे वो तो इतने बदजौक हैं, इतने बदजौक हैं। एक बार मैं गजलों का कैसेट लेकर आई, जब कभी नींद ना आ रही हो तो कहते हैं सुंबल जरा कैसेट तो लगा दो। तो मामा इसमें क्या बुराई है? बॉबी, जब मैं कैसेट लगाकर वापस आती हूँ तो वो सो रहे होते हैं। अच्छा खैर, टिकट्स तो हैं तीन, तो कौन कौन चलेगा? बस भाई टीनेजर्स जाएंगे और क्या, मेरा तो जाने को जी नहीं जा रहा। तो टीनेजर ही क्यों, टीएजर्स भी जाए ना। टीएजर क्या मतलब? भाई टीनेजर वो होते हैं जिनकी एज के साथ टीन लगता है, 16, 17, 18। टीएजर वो हुए जिनकी एज के साथ टी लगता है, 20, 30, 14। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि तुम्हारे पापा हमें जाने देंगे या नहीं। आइडिया? क्या? देखो वो 11 बजे सोते हैं, अगर हम उनके कमरे की घड़ी जो है वो एक घंटा आगे कर दें तो वो 10 बजे सो जाएंगे। तो मामा हम 10 बजे कॉन्सर्ट पे जाएंगे तो सीटें नहीं मिलेंगी। पर सुंबल, सवाल ये पैदा होता है कि उनके कमरे की घड़ी आगे कौन करेगा? तुम। आप भाई से कह रहे? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं, मैं तो पहले ही उनकी हिट लगाने की लिस्ट पर हूँ। बस भी ठीक है, रहने दो, कोई नहीं जाएगा, बस कोई नहीं जाएगा। मामा प्लीज, मामा देखिए कुछ करें ना। देखिए आप मुझे आपा ना कहा करें भाई साहब। जी बिल्कुल। आप इतना पढ़ते लिखते हैं इसलिए मैं आपके लिए दूध लेकर आई थी, आपके लिए बहुत मुफीद होगा। जी शुक्रिया, रख दीजिए वहां। रख दिया। पापा, आपके लिए दूध लाया हूँ, आप पढ़ते हैं ना, तो ये दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। जी जी जी, प्लीज रख दो और जाओ, मुझे काम करने दो प्लीज। नहीं, मैं खाना खा रहा हूँ। 10 अभी और काम कर रहा हूँ। मैं ना, तुम मेरे लिए दूध लेके आई हो। सब तुम्हें कैसे पता चल गया? उफ, तुम मेरे दिल की हर बात समझ रहे हो। काम कर रहा हूँ ना, और ये दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। हाँ, ये भी तुम्हें पता चल गया, तुम्हें सब पता चल जाता है कि मैं क्या सोच रही हूँ। क्यों कर रहे हो तुम ये? ये भी तुम्हें पता चल गया? जी नहीं, ये तो खैर आप खुद ही बताएंगी। शुक्र है। नहीं बस वैसे ही, इसलिए कि मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखती हूँ इसलिए। तो फिर मैं जाऊँ? फॉर प्लीज। अच्छा अच्छा। मुझे शाबाश दे। शाबाश तो मुझे दो, मैंने घड़ी एक घंटा आगे कर दी है। आपने भी? तुमने भी? नुसरत, मुझे शाबाश दो, मैंने घड़ी एक घंटा आगे कर दी। आपने भी? क्या मतलब तुमने भी?
फुफ्फो ने भी। अब क्या होगा? देखो भाई साहब, एक दफा कमरे में घुस जाए तो वो तो कभी निकलते ही नहीं है। मैं ऐसा करूंगी कि किचन का दरवाजा खुला रखूंगी, बाहर के गेट की चाबी तुम लोग अपने साथ ले जाना। चलो जाओ, जाके जल्दी से तैयारी करो। यस अभी। कमाल है भाई, काम में इतना इन्वॉल्व हो गया कि वक्त का पता ही नहीं चला। एक बज गया। मजा आया था। मामा, ये सब सिंगर्स के बाल क्यों इतने लंबे होते हैं? शायद इसलिए कि उनकी इज़दवाजी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो। वो कैसे मामा? भाई, उनकी बीवियां उनके कंधे पर लंबे बाल देकर ये तो नहीं पूछ सकती ना कि ये किसका है। मामा, लेकिन पता है क्या, मुझे तो वो अच्छा बस बस बहुत बातें हो गई, अब तुम उठो और गेट खोलो। मामा चाबी दें। चाबी तुम्हारे पास है बॉबी? मामा आपके पास थी, डैशबोर्ड में देखें। तुमने मुझे दी थी चाबी? हां हां। नहीं बॉबी, इसमें नहीं है। हुमा, तुम्हारे पास तो नहीं है? गेट तो बॉबी ने बंद किया था। गेट तुमने बंद किया था, सारी गलतियां मेरे खाते में डाल दिया करो। अच्छा मेरी बात सुनो, अब खामखा शोर मचाने का क्या फायदा, ये बताओ हम अंदर कैसे जाएंगे? आइडिया। क्या मामा, क्यों ना मैं बेल देके पुप्पो को जगा दूं? इस तरह तो पापा भी उठ जाएंगे। इसने मरवा दिया ना, कोई काम ठीक से नहीं करता। सारे ठीक काम मैं ही किया करूं। अच्छा बस, अब लड़ने की जरूरत नहीं है, ये सोचो कि इसका हल क्या है। यस मामा, क्यों ना पत्थर मार के पुप्पो को जगा दें खिड़की पर। अब नुसरत की उम्र, पत्थरों पे उठने वाली कहाँ। उठ के कुछ नहीं ठीक रहेगा। हाँ मेरा दिमाग खराब कर देगा ये। अब कोई ईंट ना ले आए। इतनी जल्दी रात गुजर गई। तो घोड़े बेच कर सोती है। You mean horse trading? चौगा। हमें क्या पता? तुमने किया ये सब कुछ? तुम बताओ। Yes। दीवार कूदने की कोशिश करूं, पुप्पो से दूसरी चाबी लाने की कोशिश करूं। ये लड़का कोई और गुल खिलाएगा। गेट ही नहीं बंद किया। हैं? आप लोग अंदर हैं, ये मैं बाहर कूद रहा हूँ। अभी तुम गेट खुला छोड़ गए थे। गेट खुला था, मैं गेट से आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? उधर, इधर से आओ ना। इधर कूद जाओ अहमद। चलो गाड़ी अंदर कर। गाड़ी अंदर।
इतना मेरा क्या समाधान आ गया। मेरे कमरे का दरवाजा बाहर से बंद। सही नहीं होता, मैं तो तंग आ गई। इतनी देर कर दी तुम लोगों ने, इस लड़के की हिमाकत की वजह से। एक घंटा हम गेट पर खड़े रहे, ये चाबी घर भूल गया था। तो आए भी तो अंदर मेरी हिमाकत की वजह से ही है ना, मैं गेट खुला छोड़ गया था पप्पा। इसीलिए कहते हैं अगर इस दुनिया में बेवकूफ ना होते ना तो अब तक तो तबाह हो चुकी होती। Okay.
किसे न छेड़ो, घर के अंदर घर के बाहर ओझल भी है और है जाहिर, हर मसला